हमारा हो क्या है, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें बेटा, ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिंग साइड, रिफ्रैक्टिंग साइड कौन सी होती है, पॉलिश साइड होती है, जिसकी रिफ्रैक्टिंग साइड सेंटर से दूर की हो या दूसरी ओर, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है ना। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्शन मान ली, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्शन मिरर को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसका क्या नाम है, कोण पी। इसका एक सेंटर हो गया था, सेंटर मान के हमने क्या है, सी सी मान लिया, ठीक है ना। अब इसके लिए सॉल्व करना था, आप सबसे पहले मानेंगे एक ऑब्जेक्ट है, वो के लिए हम क्या करते हैं, आपको अगर पिछले वाले डायग्राम में याद हो, पहले तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्शन
कॉम्प्लेक्स है यू, इमेज की पोर्ट्रेट डिस्टेंस हमें पता होती है वो क्या होती है बी, फोकस की पोर्ट्रेट डिस्टेंस एफ, सेंटर की पोर्ट्रेट डिस्टेंस सी बी, और किसका हो सकता है क्या टू एफ। अब इनमें पहले देख लेते हैं प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको बताया मिरर को हम कहाँ रख देंगे, जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके ओरिजिन पर, जो माइनस एक्स में वो माइनस और जो प्लस एक्स में वो प्लस। अगर ये पी पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है तो ये साइड माइनस और ये साइड प्लस, तो ओ से पी क्या है यू, ये कैसा आएगा हमारा माइनस। आई से पी, आई की प्लस डायरेक्शन में आएगा तो पी कैसे लेंगे हम प्लस, एफ प्लस एक्स कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन फोर को कन्वर्ट कर लेंगे। Okay.
square per home plus थोड़ी सी तरीका है आप सबको कौन सी माइनस में बाकी वैल्यू रखेंगे आप मैथ के अनुसार क्लोज पर।